हे हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे DIY टेराकोटा फाउंटेन, जो कि मैं अपने एंट्री स्पेस के लिए बनाने जा रही हूँ। मेरे एंट्री स्पेस में काफ़ी अच्छी धूप भी आती है और छांव भी रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो टेराकोटा फाउंटेन है यहीं पर प्लेस करूँ। ये बहुत ही एक बजट फ्रेंडली आपका टेराकोटा फाउंटेन रहेगा। इस टेराकोटा फाउंटेन के लिए मैं यही सब मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ। ये जो आप ऊंचा वाला देख रहे हैं मटेरियल, ये वाला जो है ये काफ़ी हाइटेड है एंड अंदर से हॉलो भी है, जिसको मैं एज अ स्टैंड यूज़ करूँगी अपने टेराकोटा फाउंटेन के लिए। यहाँ पर मैंने जितने भी टेराकोटा फाउंटेन रखे हैं, इनको मैंने रेड ऑक्साइड के साथ मिलाकर पेंट किया है। आप चाहें तो दूसरे पेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ 2 दिन में ख़त्म किया था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जल्दी से रेड ऑक्साइड ही यूज़ किया है फॉर स्टैंड। आप चाहें तो और भी पेंट्स यूज़ कर सकते हैं और भी इसको अच्छा बना सकते हैं। और अगर आप इसको ट्राई करें देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने किस तरीके से इसको पेंट किया और बनाया है। और अगर ये वीडियो पसंद आए देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो आप ये वीडियो लास्ट तक के देखें, क्योंकि काफ़ी कुछ है चीज़ें जिसमें जो मैंने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है फाउंटेन। यहाँ पर जो फाउंटेन मैं बनाने वाली हूँ आज, वो मैं पिरामिड शेप में बनाऊंगी। पिरामिड शेप आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से होता है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर बनाऊंगी। और भी बहुत शेप एंड साइजेस में आप अपना फाउंटेन बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पिरामिड शेप यूज़ किया है। यहाँ पे मैं रेड ऑक्साइड जो है ये पूरा कर चुकी हूँ, और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ प्राइमर एज अ वाइट कलर। मैं अपने पूरे के पूरे जो फाउंटेन है उसको एक नेचुरल लुक ही देना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया है। और क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है डिटेलिंग में स्टैंड पे, इसलिए मैं यहाँ पर वाइट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो पता चले कि क्या डिज़ाइनिंग थी। वैसे मैंने यहाँ पर पूरा डिज़ाइनिंग को नहीं लुक दे पाई हूँ, बट आप चाहें तो किसी और भी अच्छे तरीके से इसको लुक दे सकते हैं। खासकर जो कि पेंट करते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है पेंट करना, वो इसमें काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वेल दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर यूजिंग प्राइमर, जो कि काफ़ी नीटली नहीं हुआ है, बट देन आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। वेल, क्योंकि जो भी मैं टेराकोटा आइटम्स यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं उसमें 2 होल्स देख रही हूँ तो उनको मैंने MCL से पैक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ जो डाउन में है वो मैंने ओपन रखा है। बस अदर देन टेराकोटा आइटम्स, जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ आएंगी टेराकोटा फाउंटेन बनाने के लिए, वो है एक लंबी सी पाइप जिसमें से कि पानी फ्लो होगा, और ये है मोटर। आप कूलर मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला मोटर यूज़ कर रही हूँ, बट आप चाहें तो कूलर मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा फॉर फाउंटेन। एंड दिस इज़ फॉर मेजरमेंट, ताकि मेरा जो भी फाउंटेन बने वो एकदम स्ट्रेट बने और पानी अच्छे से फ्लो हो। यहाँ पे मैं पाइप को इंसर्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मैंने टॉप लेवल से स्टार्ट किया है इंसर्ट करना। यहाँ पे मैंने टॉप लेयर जो मैंने इंसर्ट करी थी पाइप, उसके बाद मैंने सुराही से पाइप ली है, आप देख सकते हैं, और फिर प्लेट है। और उसके बाद अब मैं एक गमला लूँगी जिसके थ्रू मैं इंसर्ट करूँगी पाइप एंड देन अगेन प्लेट। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब आप इंसर्ट करेंगे अपनी पाइप, उसके आजू बाजू आपका कुछ ओपन एरिया रह जाएगा। वो ओपन एरिया को आप MCL से ही कैप्चर करें, क्योंकि जब आप देखेंगे जब फ्लो करेगा पानी तो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं करेगा, इसलिए आपको MCL से उसको कैप्चर करना पड़ेगा। यहाँ लास्ट लेयर में मैंने मोटर फिट कर दी है। एक तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ फाउंटेन को लेयरिंग करने का, और ये दूसरा तरीका है। स्टैंड पे मैंने प्लेट रख दी और फिर गमला रख दिया है। नाउ जो लेयर बाय लेयर मैं इसके ऊपर अपने आइटम्स रख सकती हूँ। After layering, terracotta fountain कुछ इस तरीके से दिख रहा है। Now we have to decorate it and place it. यहाँ पे मैंने अपना fountain place कर दिया, आप देख सकते हैं। जो top layer है वहाँ पे मैंने कुछ पत्थर रखे हुए हैं, और उसके बाद जो 2 layers हैं plates हैं उस पर भी मैंने पत्थर रखे हुए हैं। पत्थर मैंने 2 टाइप के लिए हुए थे, आप चाहें तो किसी भी टाइप के पत्थर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ पत्थर के। आप देख सकते हैं जो मैंने नीचे वाइट कलर का यूज़ किया था पेंट, वो कितना ही अच्छा लग रहा है इस पर। एंड नाउ आई एम प्लेसिंग सम कटिंग्स ऑफ मनी प्लांट्स एंड स्पाइडर बर्ड्स। जो स्पाइडर बर्ड्स थे ये मैंने अपने प्लांट से ही मदर प्लांट से लिए थे और यहाँ पर प्लेस किया है। आप भी इसी तरीके से कोई भी प्लांट प्लेस कर सकते हैं। मनी प्लांट तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि पानी में होता है। अगर आपसे स्पाइडर प्लांट नहीं होता है ऊपर, तो आप स्नेक प्लांट भी यूज कर सकते हैं पत्थर और पानी के बीच में रख के,
और यहाँ पर मैंने जो टेराकोटा मेरा फाउंटेन है उसको मैंने ग्रीन मैट पे प्लेस किया है, और उसी के जस्ट साइड पे मैंने एक और स्टैंड यूज किया है जहाँ पे मैंने गणेश भगवान रखे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे मैंने और भी प्लांट्स को प्लेस किया है। ऐसे प्लांट्स जो कि जिनको बहुत ज्यादा ह्यूमिड चाहिए वो प्लांट्स आप यहाँ पर इजीली रख सकते हैं, क्योंकि ये फाउंटेन इतना ज्यादा ह्यूमिड क्रिएट करेगा वहां पे कि प्लांट्स अपने आप ही बहुत अच्छे होंगे। नाउ बिफोर रिवीलिंग द फाइनल लुक, हेयर इज द बिफोर लुक। जब मैंने अपना फाउंटेन प्लेस नहीं किया था तो कुछ इस तरीके से वो रूम दिख रहा था, एंड आप देख सकते हैं सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है इस रूम में। एंड हेयर इज द फाइनल एंड आफ्टर लुक ऑफ दिस प्लेस आफ्टर प्लेसिंग फाउंटेन। तो इस तरीके से मैंने इस रूम को सजाया है। आई होप आप लोगों को ये लुक और ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया हो, साथ ही साथ मेरा टेराकोटा का जो आपका फाउंटेन है वो भी पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।